नए गज की दीवार टूटी, फिर पानी का रेला बड़ा आया, फिर काछा डूब गया। आप देख रहे हैं ये काछू का इलाका है सारा। काछे के तकरीबन 100 से ऊपर गांव है जो डूब गए हैं, फौजी जवान है, रेस्क्यू वाले वो सारे पहुंच गए हैं और वो रेस्क्यू कर रहे हैं। ये पानी अभी रवान दवा स्पीड से जा रहा है गांव की तरफ। ये तो काछो है, सारा काछो तो डूब गया। हजारों की तादाद में जो आदमी थे बेचारे, वो दरपदर परेशान बेहाल है। पंद्रह घर, 20 घर, 30 घर, 40 घर, 100 घर, 200 घर, हजारों की तादाद में ऐसे गांव हैं। वो सारे गांव अभी पानी की जद में आ रहे हैं। पानी गांव में जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है, देहातों में पानी जा रहा है। अल्लाह पाक रहम करेगा। पहले बच्चा बंद पे इरिगेशन का अमला होता था, छंटकार देते थे, हर किलोमीटर के बाद मुलाजिम बैठे होते थे, देखभाल करते थे, जो गेट खुलते पानी के लिए बंद होते थे उनको तेल देते थे। 15 से 20 साल हो गए, इरिगेशन का अमला गायब, तनख्वाह उठा रहे हैं कागजों में। अगर वो देखभाल करते और बंद की पोजीशन टाइट होती, बंद कभी भी नहीं टूटता, इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं होता। इरिगेशन की नायली की वजह से गरीब दरपदर होता रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।